क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके मुख्यमंत्रियों ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। आखिर क्या वजह है कि उनके बच्चे तो साहेब हैं, उनके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर या अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मगर आपके बच्चे दंगाई बनाए जा रहे हैं, सोच से भी और हरकतों से भी। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये झारखंड के रांची की है। भाजपा का एक कार्यकर्ता जो है पत्थर मार रहा है। इसी तरह की कई तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं कोलकाता में कल हुए प्रदर्शन की, जहां प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, मगर उनके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, स्वर्गीय अरुण जेटली का बेटा रोहन जेटली और देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह। आप जानते हैं जय शाह जल्द आईसीसी के प्रमुख बनने वाले हैं, आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले तक वो बीसीसीआई के सदस्य थे, अब वो आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। क्या इनकी क्रिकेट में कोई महारत हासिल थी? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था? बिल्कुल नहीं। उनकी सिर्फ एक उपलब्धि थी कि उनके पिता का नाम था अमित शाह। मगर आज अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली अब उनकी जगह बीसीसीआई में सचिव बनने वाले हैं। क्या रोहन जेटली कोई क्रिकेटर थे? कम से कम मैं तो नहीं जानता। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, उनके बच्चे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। जी हां, रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, इन सब के बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी। शिवराज सिंह चौहान, हाल ही में कुछ ही दिनों पहले उनके बच्चे ने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी। मगर आप सड़क पर इस तरह से दंगाई बने हुए हैं, और दंगाई बनाने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मैंने क्या कहा कार्यक्रम की शुरुआत में कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है? क्योंकि मुसलमान के नाम पर आपको डराना, आपकी सोच को जहरीली बनाना और फिर आपको दंगाई में तब्दील कर देना। आपकी स्क्रीन पर यह है हेमंत बिस्व शर्मा। यह व्यक्ति कहने को एक संवैधानिक पद पर है, इसने शपथ ले रखी है संविधान की, मगर रोज हेमंत बिस्व शर्मा लगभग रोज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। सबसे पहले कल का उनका यह बयान सुनिए, मैं असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं असमीज में। মিয়া মুসলমান মানুষ গোটে লবই আমিও লব নিদিও হয়ে গেল আমিও লব নিদিও আপনাদের আজি হাউসত কলে যে আমি লমে আর মই কইছো আপনাদের আমি লব নিদিও বাস। মই এক সবাল পুছনা চাহতা হু মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সে। आप जो कह रहे हैं कि मैं असम को मुसलमान या मियां भूमि नहीं बनने दूंगा, तो सबसे बड़ी बात, पिछले 10 सालों से सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में। तो अगर बांग्लादेश की सीमा पार करके घुसपैठिए आ रहे हैं और असम की राजनीतिक तस्वीर को बदल रहे हैं, तो पिछले 10 साल से आप क्या कर रहे थे बताइए। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो असम में सत्ता में आई है। मैं आपसे समझना चाहता हूं मुसलमानों के साथ आपके क्या संवाद चल रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। अब मैं आपको एक और बयान दिखाना चाहता हूं हेमंत बिस्व शर्मा का, जो कुछ दिनों पहले उन्होंने दिया था। उनसे एक पत्रकार यह सवाल पूछता है कि भाई आपकी जहां विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पहाड़ों की कटाई हो रही है, तो आप जानते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जवाब में क्या देते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो जवाब में वो पत्रकार कहता है शाह आलम। तो जानते हैं हेमंत बिस्व शर्मा क्या कहते हैं? हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग हिंदुओं को बचने देंगे क्या? सुनिए क्या कहा उन्होंने। गोटे विषय तो सर खेज खेजीकरण क्षेत्र खेजीकरण विषय उठा ना गुवाहाटी पानी अहम तमें आपन माइंड विलाक इमान पॉइजन कर
আপোনাৰ নামটো কি? শাহ আলম। আপোনালোক শাহ আলম বা ইউ এছ পি এমৰ মহিবুল হক আপোনালোকে সব বস্তু যেনেকে মিলাই দিছে আমি। तो जैसे मैंने कहा ना, फर्क देखिए दोस्तों, मुसलमानों को खलनायक के तौर पर पेश करना, माइनॉरिटीज पर निशाना साधना, मगर उनके बच्चे, एक आईसीसी का अध्यक्ष बनने वाला है, दूसरा बीसीसीआई का सचिव उनकी जगह बन जाएगा। और जैसे मैंने कहा, निशिकांत दुबे हो, रविशंकर प्रसाद हो, शिवराज सिंह चौहान हो, गिरिराज सिंह हो, इन तमाम नेताओं के बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, आपके स्क्रीन पर अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे भड़काऊ नारे लगाए थे, नतीजा गोलीबारी शुरू भी हो गई थी। इनके बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मगर आप इस तरह से पत्थरबाजी कीजिए ना, आप इसी से खुश हैं, आप इस तरह से पत्थरबाजी कीजिए। आपका ध्यान भटकाया जा रहा है उन लोगों में जो आज जिंदा भी नहीं है। सुनिए माननीय हेमंत बिस्व शर्मा क्या कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री ही बना हूं बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए। सुनिए, अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तो उसमें फायदा क्या है? तो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही जो मैंने मुख्यमंत्री बना हूं। मुख्यमंत्री महोदय, चाहे बाबर हो औरंगजेब, दोनों मर खप गए, कोई जिंदा नहीं है। कोई मुगल अपने कब्र से आकर नहीं कहेगा कि अनारकली मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं, किसी अनारकली को खतरा नहीं है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी वो अनारकली बनी हुई है जिसे लगता है कि जब तक मुगलों के नाम का डर या फिर मुसलमान के नाम का डर पैदा ना किया जाएगा, हिंदू हमारे लिए वोट नहीं देगा। कितने शर्म की बात है ना कि इन्हें लगता है कि हिंदू को डरा के, उसे धमका के, उसे डरा कर ही उसका वोट लिया जा सकता है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने बच्चों को उतारिए मैदान में, उनसे भी पत्थर चलवाइए। आपके बच्चे तो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, लगातार मैं आपको बतला रहा हूं। यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो रामकृष्ण कहना होगा। आप जानते हैं दोस्तों, इस देश में कुछ लोग पैगंबर के सामने सिर झुकाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे के सामने जाके शीश झुकाते हैं, कुछ लोग गिरिजाघर जाते हैं। एक व्यक्ति जो कि राज्य का मुख्यमंत्री है, इस तरह की बातें कर रहा है। मकसद साफ है, एक बार फिर हिंदू और मुसलमान का बंटवारा पैदा किया जाए, एक बार फिर मुसलमान का हवा बनाकर आपको डराया जाए, और यह डर आपके जहन में 2014 से पहले कभी नहीं था। सुनिए क्या कह रहे हैं मोहन यादव। रहीम रसखान यहां की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। बताइए, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, किस बात का डर है आपको? और एकता की बात की भी जाती है तो यह कहा जाता है कि भाई हिंदू एक नहीं होंगे तो कट जाएंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान, वो कहते हैं कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे, और मिसाल किसकी दी जा रही है? बांग्लादेश की। सबसे पहली बात, बांग्लादेश में हालात बिल्कुल अलग हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी शेख हसीना, वो उनका तेवर एक तानाशाह के बन गए थे, संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रही थी, मनमानी कर रही थी, विपक्ष को जेल में डाल रही थी, इसीलिए उन्हें भागना पड़ा। तो आप बांग्लादेश से क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बांग्लादेश से? और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो पूरे देश के लिए कहिए ना। सबसे बड़ी बात, हमारा यह देश एक परिवार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि एक वर्ग एक होकर देश का भला होगा, गलत सोचते हैं आप। नहीं, हम सब एक परिवार हैं, परिवार में दरारें पैदा करके परिवार खुश नहीं हो सकता। हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा, तभी देश तरक्की करेगा। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता कि बटेंगे तो कटेंगे, हम सबको एक होना पड़ेगा। अगर आपने सभी धर्मों के लिए कहा होता ना कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मैं आपसे इत्तेफाक रखता, मगर आप सिर्फ हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। जी नहीं, हम सबको एक होना पड़ेगा, हिंदू भी एक हो,
हिंदू मुसलमान से एकता दिखाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से एकता दिखाए, हम सब एक हों, तभी यह देश तरक्की करेगा। और एक बार फिर रोहन जेटली, जय शाह, उनके बेटे और आपके बेटे, फर्क को समझिए। इसीलिए बार बार संवैधानिक पद पर बैठकर भी इनके नेता भड़काऊ बयान देते हैं। ये गिरिराज सिंह है, कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि बंटवारे के समय हमने मुसलमानों को यहां रहने दिया। 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं देश को आजाद हुए। इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के संविधान, इस देश के रोजमर्रा की जिंदगी में माइनॉरिटीज का अपना योगदान है। इस देश ने मुस्लिम राष्ट्रपति देखे, सिख प्रधानमंत्री देखे, सेना में माइनॉरिटीज को देखा, इस देश ने सुपरस्टार्स को देखा जो मुसलमान थे, जिनका मजहब इस्लाम था। मगर पिछले 10 सालों से आपको बताया जा रहा है कि आपका वजूद खतरे में है। 2014 से पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था, तो हिंदू हृदय सम्राट के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदू खतरे में कैसे आ गया भाई? कैसा कमजोर शासन है आपका, कैसी कमजोर सोच है कि राम मंदिर के बनने के बाद भी आपको हिंदू खतरे में दिखाई दे रहा है? खतरा हिंदू को नहीं है, खतरा बीजेपी को है। जी हां, खतरा बीजेपी को है। इसलिए हमें बांटना बंद कीजिए, अपने बच्चों को देखिए और हमारे बच्चों को दंगाई मत बनाइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।